बेशक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगली जानवर कितने खतरनाक होते हैं। वे हमला करके एक कमजोर व्यक्ति को आसानी से मार सकते हैं। आदमखोर शेर अफ्रीका के आदिवासियों के लिए दहशत लाते हैं, क्योंकि इंसान सबसे आसान शिकार जो है। पानी में मगरमच्छ उन टूरिस्ट के इंतजार में पड़े रहते हैं जो गाइड की चेतावनियों के बारे में बहुत लापरवाह है। लेकिन कुछ ऐसा है जो हर साल मगरमच्छों से 10 गुना ज्यादा लोगों को मारता है, शेरों से 100 गुना ज्यादा और शार्क से 1000 गुना ज्यादा, और यहाँ तक कि सभी खतरनाक जानवरों से भी ज्यादा। और ये हजारों सालों से ऐसा कर रहा है। आखिर ये है कौन? एक स्नेल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारी सदी में पहले से इन स्नेल से जुड़ी बीमारियों से 2 लाख से अधिक लोग सालाना मरते हैं। और अब आप सीखेंगे कि ये स्नेल्स ऐसा करते कैसे हैं। सिस्टोसोम एक पैरासाइटिक प्लेटवर्म है। इस पैरासाइट का लाइफ साइकिल बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। इसके लाइफ साइकिल के पहले स्टेज में ये एक स्नेल के बॉडी को अपना शिकार बनाता है, और अगले स्टेज में ये पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एक इंसानी शरीर में प्रवेश करता है और सेल्फ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करके अंडे देने लगता है। हमारे शरीर में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर ये पैरासाइट बार बार हमारे हेल्थ को निगलना शुरू कर देता है। गंदे पानी से नहाने के बाद ये पैरासाइट त्वचा पर लग जाती है और जल्दी से अंदर घुसने लगती है। उनके पास जीवित रहने का कोई अन्य मौका नहीं होगा, इसलिए इंसानी स्किन में वो अपने एंजाइम्स की मदद से डिसॉल्व हो जाते हैं। सिस्टोसोम ब्लड वेसल्स के माध्यम से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और ब्लड फ्लो के साथ हार्ट में फिर लंग्स में एंटर करते हैं और इस तरह हर बॉडी पार्ट पर कब्जा करते हैं। पैरासाइट के अंदर प्रवेश करते ही कुछ ही मिनट बाद इचिंग शुरू हो जाएगी। एक दिन होते ही स्किन में रैशेस दिखाई देंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लक्षण गायब हो जाएंगे और होस्ट को ऐसा लगेगा कि सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। यह सिर्फ एक मामूली सी एलर्जी थी और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पैरासाइट को थोड़ा टाइम चाहिए था होस्ट के इंटरनल ऑर्गन्स में फैलने के लिए। होस्ट तब फैसला करता है कि सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स का समाधान हो गया है, लेकिन अनजाने में उसने बस सिस्टोसोम्स को सांस लेने का समय दिया ताकि वे अपनी एक कॉलोनी बना सके और खतरनाक हमले शुरू करने से पहले अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढ सके। ये अचानक शुरू हो जाता है। पैरासाइट्स द्वारा छोड़े गए हार्मफुल टॉक्सिन्स शरीर को हर दिन कमजोर करते रहते हैं। शरीर अपने आप को बचाने हेतु अपना तापमान बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। होस्ट का शरीर जवाब देना शुरू कर देगा। पहले बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और गले में सूजन शुरू हो जाएगी, लेकिन यह केवल शुरुआत होगी। यह स्थिति किसी व्यक्ति के लिए लास्ट वार्निंग होगी, क्योंकि सिस्टोसोम अपना काम जारी रखेंगे। अगर इतना सब होने के बाद भी होस्ट को सही मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसकी मौत पक्की है, और इसके कारण ही साल भर में कई हजारों लाखों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन हम में से कई लोग के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पैरासाइट और स्नेल्स सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कई नेचुरल हैबिटेट में लगभग 100% लोकल पॉपुलेशन पैरासाइट से इन्फेक्टेड होती है। नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसे गरीब देशों में लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण मासूम लोगों की जान चली जाती है। क्योंकि इन लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाने के कारण ये लोग झील या नदियों से पानी पीते हैं, जिसमें पैरासाइट्स की पूरी सेना अपने नए होस्ट का इंतजार कर रही होती है। अगर ये सिस्टोसोम्स कोरोना की तरह फैला तो ये छोटा सा 1 इंच का पैरासाइट हमारी पूरी सभ्यता को मिटाने की क्षमता रखता है। हम स्टोन एज में लौट आएंगे और सभी को अपने दम पर जीवित रहना होगा। आई होप आपको वीडियो देखकर बहुत कुछ जानने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे।